नमस्कार, मैं मोहम्मद रईस और आप देख रहे हैं प्रकाश प्रभाव न्यूज। पेश है आज की प्रमुख खबर। बड़ी संख्या में राजधानी लखनऊ में उमड़े वकील, कल NIA कोर्ट में आया था वकील को हार्ट अटैक, जिसके बाद अस्पताल पहुंचने से पहले ट्रैफिक व्यवस्था की वजह से हुई थी वकील की मौत। जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश के विरोध में लगे राजधानी में सैकड़ों नारे, सैकड़ों की तादाद में वकील उमड़े सड़कों पर। है इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार हमारा जो है यातायात विभाग भी है, क्योंकि उन्होंने वन वे का आदेश कर रखा है। नेसा की तरफ के बस वन वे जाती है, लेकिन इस समय दोनों तरफ से आना जाना रहता है। पार्किंग में इतनी बेअपराध गाड़ियां खड़ी है कि DM जिलाधिकारी को चाहिए कि संज्ञान ले और यातायात सही कराए। साधन सब्जी की और फल की इतनी दुकानें लगती है कि आना जाना मुश्किल है। कोई भी एम्बुलेंस वहाँ पर अगर पहुँचना हो तो नहीं पहुँच सकती, असंभव है। जो वकील साहब के लिए आप लोगों ने डिमांड रखी, अगर ये डिमांड पूरी नहीं थी तो हम लोग अनिश्चित तौर पे कोर्ट को बंद रखेंगे। सर, ये जो वकील प्रदर्शन कर रहे हैं कि क्या मांग है, आखिर इनको CM आवास क्यों आना पड़ा? इन्होंने जो एक अपना ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन को मैंने इनके लिया है, नीचे कर लो भाई। इसमें इनका ये कहना है कि इनके एक साथी हैं विजय कुमार सिंह जी, इनकी कल दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में कल इनकी डेथ हो गई कोर्ट में, और उनके परिवार को मुआवजा देने, नौकरी देने, ऐसी चीज़ों के लिए इन्होंने अपना ज्ञापन दिया है। तो ये ज्ञापन मैंने सरकार की तरफ से यहाँ रिसीव किया है और ये मैं ACS होम तक इनका ज्ञापन पहुँचा रहा हूँ। उसमें जो भी इनके लिए सरकार की तरफ से जो चीज़ें होंगी, जिस तरीके से विधिपूर्ण तरीके से वो कर सकते हैं, वो कर दिया जाएगा। अब चूँकि ये यहाँ तक क्यों आए, इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊँगा, इन लोग किस कारण से वहाँ गए और क्यों वो स्थितियाँ उत्पन्न हुई, लेकिन DCP सेंट्रल और DCP वेस्ट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि ये लोग वहाँ भी ज्ञापन दे दें कोर्ट में, लेकिन उनके जो भी अपने मनोभाव रहे होंगे, तो फाइनली कोई ऐसी बात नहीं, मैंने यहाँ आके उनका ज्ञापन ले लिया।